वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका इंग्लिश की इस क्लास के अंदर स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर की क्लास के अंदर आज हम शुड के यूज़ को पढ़ेंगे। शुड एक मॉरल एक्सिलरी वर्ब है, जैसा कि हम जानते हैं। मॉरल एक्सिलरी वर्ब की क्लास के अंदर हमने बहुत सारी क्लासेस को पढ़ी, जैसे कि हमने वुड के इस्तेमाल को पढ़ा है, जैसे कि हमने कुड के इस्तेमाल को पढ़ा है, और उससे पहले हमने कैन को भी इस्तेमाल को पढ़ा है। तो आज हम शुड के इस्तेमाल को तफसील से देखेंगे, शुड का इस्तेमाल किन किन तरीक़ों से होता है। हम देखेंगे शुड के साथ हैव को, शुड के साथ हैड को देखेंगे, इसी तरीके से शुड के साथ हैव बीन को देखेंगे। आज हम शुड के तमाम इस्तेमाल को देखेंगे। एंड आई प्रॉमिस कि अगर आपने इस क्लास को बहुत गौर से सुन लिया और समझ लिया, तो आज के बाद आपको शुड के किसी भी यूज़ के अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है। सो लेट्स बिगिन द क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले यूज़ की तरफ। देखिए, शुड का जो इस्तेमाल होता है वो शैल के पास्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जब आप नरेशन बनाएंगे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो वहाँ पे जो शैल का इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो उसमें आप जब चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तब आप शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला इस्तेमाल आपने अक्सर देखा होगा, मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी यू शैल गो होम। ये सेंटेंस डायरेक्ट का है। अब इसे हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट के अंदर। तो हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त हमें 1, 2, 3 SON, यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन वॉचिंग, ये हम रूल जानते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर सेकेंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होगा, लिहाजा देखिए ही सेड टू मी और ही टोल्ड मी दैट आई, मैंने आई का इस्तेमाल किया है, आई शुड गो होम। तो देखिए यहाँ पे आई जो है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आई लिखा है। और शैल का जो मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर, वो शुड का जो मैंने इस्तेमाल किया है वो शैल की वजह से। तो देखा आपने किस तरीके से शुड का इस्तेमाल। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही आस्क मी इफ आई शुड डू दैट। ओके, ये दरअसल चेंज किया गया है इनडायरेक्ट में। तो इसका डायरेक्ट सेंटेंस क्या था, ही सेड टू मी शैल आई डू दिस। ओके, ही सेड टू मी शैल आई डू। अब देखिए यहाँ जो शैल इस्तेमाल किया गया है, इसको चेंज करेंगे शुड में। तो यहाँ होगा ही आस्क मी, क्योंकि इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, तो इस आस्क से शुरू किया मैंने, ठीक है। ही आस्क मी इफ़, और आपको पता है कि इनडायरेक्ट में जब हमें चेंज करना होता है इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंस को, और वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जैसे कि शैल एक हेल्पिंग वर्ब है, तो उसे हम इफ़ में चेंज करते हैं। ओके, इफ़ या वेदर से। तो यहाँ देखिए, इफ़ आई शुड डू दैट। तो समझाना यहाँ पर यह है कि शुड के इस्तेमाल को, तो जहाँ जहाँ आप चेंज करेंगे शैल को इनडायरेक्ट में, तो वहाँ आप शुड का इस्तेमाल देखेंगे। ओके, इस तरीके से पास्ट के इक्विवेलेंट फॉर्म में हम देखेंगे, खास तौर से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते वक्त। चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। सलाह, निर्देश तथा विचार देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शुड का। जैसे आप किसी को सलाह देना चाहते हैं, मशवरा देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं, एट द टाइम यू कैन यूज़ शुड। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस, आपको फ़ौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए, देखिए एक मशवरा है। यू शुड नॉट गो देयर, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये निर्देश है। यू शुड सिट प्रॉपरली इन द क्लास, आपको क्लास के अंदर सही से बैठना चाहिए, ये उसी टाइप के सेंटेंस होते हैं, एडवाइस, निर्देश, विचार वगैरह आपको किसी को देना है, ठीक है। यू शुड बी ऑनेस्ट इन अवर डीलिंग, हमारे साथ जो मामला हो रहा है इसमें आपको क्या होना चाहिए, आपको ईमानदार होना चाहिए। तो इस तरह का जो सलाह का सेंस हो, निर्देश का सेंस हो, या विचार देना हो, किसी कोई आइडिया देना हो कि आपको ये करना चाहिए, देखिए जैसे कि विचार वाले सेंस के अंदर आपने, या सलाह वाले सेंस के अंदर आप शुड के इस्तेमाल को डॉक्टर वाले एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस, आपको फ़ौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए, एक मशवरा है, एक विचार आप किसी को दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपने दूसरा इस्तेमाल देखा। आगे चलते हैं, नैतिक दायित्व, यानी कि मॉरल ऑब्लिगेशंस जो होती हैं, जो मॉरल ड्यूटीज़ होती हैं, उसका जो कर्तव्य निभाने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वी शुड लव अवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस तरह के जो सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी से मुतालिक होती हैं। जैसे खासतौर से कंट्रीज़ या क्लासेज या यूनिवर्सिटीज़, ये दूसरी तमाम तरह की चीज़ों की जो होती हैं, उसमें जब आप किसी को मशवरा देते हैं, सो एट दैट टाइम यू कैन यूज़ शुड। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड लव अवर कंट्री, तो देखिए ये इधर असर नैतिक दायित्व है और ये कर्तव्य हमारा देश के लिए, ठीक है। और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये हमारा मॉरल ऑब्लिगेशंस है, ठीक है। वी शुड ओबे अवर लीडर्स, जाहिर सी बात है ये भी हमारा मॉरल ऑब्लिगेशंस, अखलाकी किरदार है, अखलाकी फ़राइज़ है कि हम बड़ों के साथ अच्छे से पेश आएँ। वी शुड बी पंचुअल, ये हमारा कर्तव्य है कि हम क्या हैं, बिल्कुल पंचुअल रहें, वक्त के पाबंद रहें। इस तरीके के सेंस के अंदर आप शुड का इस्तेमाल देखेंगे।
संभावना के सेंस के अंदर भी आप, यानी पॉसिबिलिटी के सेंस के अंदर भी आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी शुड विन द मैच, हमें मैच जीतना चाहिए। इट शुड रेन टूडे, आज बारिश होनी चाहिए। यहाँ दोनों तरह के सेंस में आप जो है एक पॉसिबिलिटी को देखेंगे। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी के सेंस के अंदर भी आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सेंस आप तर्जमा जब करेंगे तो चाहिए ही करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आप जो है ना किसी चीज़ को देखकर, मैच की स्थिति को देखकर आप अंदाज़ा लगाते कि हमें मैच जीतना चाहिए, ठीक है। इट शुड रेन टुडे, चूँकि आसमान के अंदर बादल इस तरीके से लगा हुआ है, सो एट द टाइम आप समझ सकते हैं कि आज लगता है बारिश होती है, हो सकती है, इसलिए आप कह सकते हैं आज बारिश होनी चाहिए। ओके, तो संभावना आपकी ऐसी व्यक्त करती है। तो आगे चलते हैं शुड के। कुछ अलग किस्म के एक्सप्रेशन के अंदर हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हाट शुड आई डू दिस, हाउ शुड आई नो, ठीक है, इज इट ओड दैट यू शुड से दिस, क्या ये ओड नहीं है कि आपको ऐसे कहना चाहिए। इफ़ यू शुड चेंज योर माइंड, अगर आप अपना माइंड चेंज कर ले, तो इस तरह के सेंस के अंदर भी कुछ अलग किस्म का सेंस होता है, उसके अंदर आप शुड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। शुड के कुछ अलग इस्तेमाल की तरफ हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुड बी का क्या माना हो सकता है, शुड बी का अलग अलग और क्या सेंस हो सकता है, तो हम उसको तफसील से देखते हैं। देखिए, जब हमें कहना होता है कि होना चाहिए, तो ऐसी सूरत के अंदर हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, असजद शुड बी इन स्कूल राइट नाउ, असजद को स्कूल में होना चाहिए इस वक्त, ठीक है। ही शुड नॉट बी देयर विद यू, उसको उस वक्त आपके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट बी सेल्फ सेंटर्ड, हमें मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो ये होना चाहिए कि सेंस के अंदर हम शुड का या शुड बी का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, शी शुड नॉट बी एंग्री, उसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो होना चाहिए कि सेंस के अंदर हम शुड प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि हमें किया जाना चाहिए वाला सेंस अदा करना हो, तब हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, किया जाना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब हमें किया जाना चाहिए हो, तो हम शुड के साथ बी इस्तेमाल करेंगे, प्लस बी थ्री इस्तेमाल करेंगे। जैसे, शी शुड बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इमिडिएटली, उसे फौरन इस हॉस्पिटल में दाखिल किया जाना चाहिए। देखिए, शुड बी प्लस वी थ्री, ये देखेंगे अब। तो शुड बी प्लस वी थ्री के सेंस के अंदर हमें क्या देखा जाता है, किया जाना चाहिए। इस तरीके से वी शुड बी इन्फॉर्म अबाउट इट, हमें इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। आगे देखिए, वी शुड नॉट बी गिवन लो अमाउंट ऑफ सैलरी, हमें कम सैलरी नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रेन शुड नॉट बी गिवन मोबाइल, बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए। तो किया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए, इस तरह के सेंस के अंदर हम शुड का जब इस्तेमाल करते हैं, तो शुड बी प्लस वी थ्री इस्तेमाल करते हैं, टू बी रिमेम्बर्ड। ओके, नेक्स्ट, आगे देखते हैं, पास होना चाहिए। जब हमें किसी चीज़ कहते हैं, जब ये वाला सेंस अदा करना हो कि पास होना चाहिए, तब हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जैसे आई शुड हैव माई ओन हाउस, मेरे पास अपना घर होना चाहिए, पास होना चाहिए, पास, याद रखिएगा। ही शुड हैव एटलीस्ट वन पेंसिल, उसके पास कम से कम एक कलम या एक पेंसिल होनी चाहिए। वी शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हम सब के पास बराबर का मौका होना चाहिए। टू प्रूव, साबित करने के लिए, हु अमंग अस, हम में से कौन इज रियली द बेस्ट, सबसे अच्छा है। ओके, तो हमने देखा कि पास होना चाहिए कि सेंस के अंदर हम शुड का इस्तेमाल हैव के साथ देखेंगे। इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सो दैट यू मे नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन इन नेक्स्ट टाइम। ओके, एक और एक्सप्रेशन है, करना चाहिए था। जब हमें कहना होता है हमें ये करना चाहिए था, हमें ये कर लेना चाहिए था, तो ऐसी सूरत के अंदर हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और याद रखिएगा, जब हम ऐसा कहते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, शुड हैव के साथ यहाँ पे वी थ्री का इस्तेमाल ज़रूर होगा। देखिए, ही शुड हैव मेट मी दैट डे, उसे मुझसे मिल लेना चाहिए था। ही शुड हैव मेट, देखिए, शुड हैव प्लस वी थ्री, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल का आप इस्तेमाल करेंगे, शुड हैव प्लस वी थ्री, उसका क्या सेंस होगा, उसका सेंस होगा करना चाहिए था, उसे मुझसे मिल लेना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू, मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था, ठीक है, कोई काम करना चाहिए था, उसके सेंस के अंदर आप शुड हैव प्लस वी थ्री का इस्तेमाल करते हैं। अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, वहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था। दे शुड हैव आस्क्ड मी एज वेल, उन लोगों को मुझसे भी पूछना चाहिए था। तो कोई काम करना चाहिए था, जबकि ये पास्ट में हो चुकी है, अब उसका लौटना पॉसिबल नहीं है। सो ऐसी सूरत के अंदर आप शुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आगे है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का क्या सेंस हो सकता है? देखिए, शुड हैव बीन का सेंस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें कह रहा होता है होना चाहिए था,
होना चाहिए था कि सेंस के अंदर में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई शुड हैव बीन देयर विद देम, मुझे उन लोगों के साथ होना चाहिए था कल, यस्टरडे, ठीक है, यानी कल कोई ऐसी बात हुई तो आप अगर उसके साथ होते तो अच्छा होता। इस तरह के सेंस के अंदर आप शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दे शुड हैव बीन इन यूनिवर्सिटी दैट डे, उन लोगों को यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था उस दिन, ठीक है। असलम शुड हैव बीन इन ग्राउंड एट 10 o'clock, असलम को 10 बजे ग्राउंड में होना चाहिए था, होना चाहिए था। अगेन आई एम टेलिंग यू, इस तरह के सेंस के अंदर होना चाहिए था के सेंस के अंदर आप शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, ही शुड हैव बीन देयर व्हेन आई नीडेड हिम, जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तब उन्हें मेरे पास होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन हेयर, उसे यहाँ होना चाहिए था। व्हेन आई नीडेड हिम, जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी थी। ओके, तो हमें जब होना चाहिए था वाला सेंस अदा करना होता है तो हम शुड हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगला है किया जाना चाहिए था। किया जाना चाहिए था कि सेंस के अंदर भी हम शुड हैव बीन प्लस P3 का इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी विल सी देम, ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल, उसे जेल भेजा जाना चाहिए था, कोई काम किया जाना चाहिए था। देखिए इस तरह के सेंस के अंदर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि आप क्या इस्तेमाल करेंगे क्या नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें आप बहुत क्लियर तरीके से अच्छे से समझ लें कि शुड हैव बीन प्लस P3 का आपको इस्तेमाल करना हो जब को आपको इस तरह का सेंस कहना हो कि ये काम किया जाना चाहिए था, ये काम किया जाना चाहिए था, वो काम होना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसी सूरत के अंदर आप शुड हैव बीन प्लस P3 का इस्तेमाल करेंगे, जैसे उसे जेल भेजा जाना चाहिए था। दे शुड हैव बीन आस्क अबाउट, ठीक है, उन लोगों को पूछा जाना चाहिए था। दे शुड हैव बीन, उन लोगों को पूछा जाना चाहिए था इस चीज़ के बारे में। देखिए पैसिव वॉइस के अंदर चेंज किया गया इसको, दे शुड हैव बीन आस्क्ड। यू शुड हैव बीन गिवन, आपको मोबाइल दिया जाना चाहिए था, ठीक है। वी शुड हैव बीन गिवन एन ऑफ यस्टरडे, हमें कल एक छुट्टी दी जानी चाहिए थी, तो कोई काम किया जाना चाहिए था। तो ऐसी सूरत के अंदर आप शुड हैव बीन प्लस P3 का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट विल सी शुड हैव हैड, शुड हैव हैड का इस्तेमाल करेंगे, पास होना चाहिए था, कोई ऐसा वाकया हुआ तो ऐसी सूरत के अंदर आपको ये कहना हो कि पास होना चाहिए था। तो पास होना चाहिए था के सेंस के अंदर में आप शुड हैव हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही शुड हैव हैड ए कार, उनके पास कार होना चाहिए था, ठीक है। ही शुड हैव हैड ए लैपटॉप, उनके पास एक लैपटॉप होना चाहिए था। दैट डे, उस दिन, आई कुड हैव हेल्प्ड यू देन, तब मैं आपके की हेल्प कर सकता था, ठीक है। ही शुड हैव इनफ मनी, उनके पास मकदार में पैसा होना चाहिए था, पर्याप्त पैसा होना चाहिए टू बाई लग्जरियस हाउस, अच्छा घर खरीदने के लिए उनके पास ये होना चाहिए था। तो ही शुड हैव हैड, तो शुड हैव हैड का इस्तेमाल आप करेंगे जब आपको कहना हो पास होना चाहिए था, उसके पास इतना पैसा होना चाहिए था, उसके पास ये होना चाहिए था, आपके पास कार होना चाहिए था, मेरे पास ये होना चाहिए था। एट दैट टाइम, इन तमाम सेंस के अंदर आप शुड हैव हैड का इस्तेमाल करेंगे। आगे, करना ही चाहिए था। देखिए करना ही चाहिए था, इस तरह के सेंस के अंदर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, शुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। आपको ऐसा करना ही चाहिए था, ज़रूर लाजिम, तो आपको इस्तेमाल करना है यू शुड हैव टू गो देयर, आपको जाना ही चाहिए वहाँ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का इंतकाल हो गया या किसी की तबीयत ख़राब हो गई, तो आप किसी को जब मशवरा देंगे तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि यू शुड हैव टू गो देयर, आपको वहाँ जाना ही चाहिए, ठीक है। वी शुड हैव टू टॉक टू ईच अदर, हमें एक दूसरे से बात करना ही चाहिए, ठीक है। दे शुड हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, उन लोगों को इनके बारे में कुछ करना ही चाहिए था कि इस चीज़ के बारे में। मुझे अपने भाई को पढ़ाना ही चाहिए था, आई शुड हैव टू टीच माई ब्रदर, और इल्स ही माइट फेल द एग्ज़ाम, ठीक है, वरना वो एग्ज़ाम में फेल हो सकता है, ठीक है। इस तरह के सेंस के अंदर आप शुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, एक है करना ही चाहिए था, ठीक है, यहाँ करना ही चाहिए, यहाँ करना ही चाहिए था, गौर से देखेंगे, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ करना ही चाहिए और यहाँ करना ही चाहिए था। यहाँ इस्तेमाल था शुड हैव टू और यहाँ शुड हैव हैड टू, नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड। ओके, जब हमें इस तरह के इस्तेमाल करना हो कि कोई चीज़ पास्ट में गुजर गई कि आप मुझे काम करना ही चाहिए था, वो लाजमन था, ज़रूरी था, वो छूट गया, तो ऐसी सूरत के अंदर आपको कहना है कि आपको ये काम करना ही चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेम एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जब जैसे किसी का इंतकाल हो गया, आप ताज़ियत के लिए नहीं गए, कंडोलेंस के लिए नहीं गए, तो आप किसी को कह सकते हैं कि ऐसी सूरत में कि आपको जाना ही चाहिए था, ठीक है, आपको ये करना ही चाहिए था। ऐसी सूरत के अंदर आप शुड हैव हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शुड हैव हैड टू हेल्प हिम, मुझे उनकी मदद करनी ही चाहिए थी,
करनी ही चाहिए थी, ठीक है। दे शुड हैव हैड टू फुलफिल देयर प्रॉमिस, उन्हें उन लोगों को अपने वादे पूरे करने ही चाहिए थे, ठीक है। आई शुड हैव हैड टू परचेज अ मोबाइल, मुझे एक मोबाइल खरीदना ही चाहिए था। तो खरीदना ही चाहिए था कि सेंस के अंदर काम करना ही चाहिए था कि सेंस के अंदर आप शुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करेंगे, जबकि करना ही चाहिए कि सेंस के अंदर आप शुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा करना ही चाहिए था और करना ही चाहिए, थोड़े से सिमिलैरिटी है, आप इसको गौर से देख लेंगे। आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जांपल्स बनाएं इन ऑर्डर टू अवॉइड द कन्फ्यूज़न, ओके। इस तरीके से आज हमने शुड के तमाम इस्तेमाल को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड टाइम।